Hello friends, welcome back to channel. This will be the day 2 of my south ride. So I am currently at Tumkur. As you guys seen, I have checked in this hotel Citria 3 stars hotel. So it's around 6:20, 6 baje nikalne ka tha, but late ho gaya. Kya kare, bike ki halat dekh lijiye. Just like मैंने बता दिया last vlog में, I am this time using cloth and then my tank bag. Bike थोड़ी गंदी हो गई कल, बारिश गिर रही थी, आपने vlog में देख ही लिया. Other than that, bike is performing really well. So चलो, let's hit the road. And this is the hotel. हाईवे के ऊपर ये एक ही होटल अवेलेबल था और उसकी बुकिंग मैंने एडवांस की थी एज ए सी रूम, बट हमारा लक खराब था, उनका सेंट्रल एसी का प्रॉब्लम था. सो कोई भी रूम में एसी नहीं चल रहा था. तो और ये देखिए क्या है ये, और वेयर इज फकिंग द आरटीओ पर्सन्स, बाइक भी. ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल इंडिया. सो आज की डेस्टिनेशन है रामेश्वरम. यहाँ से दिखा रहा है गूगल 631 किलोमीटर और टाइम लगेगा 11 घंटा 44 मिनट्स. तो अराउंड 6 बजे रीच करने का टाइम बता रही है गूगल माता. देखते हैं उसके पहले रीच होता है नहीं होता है. तो अभी यहाँ से आगे आएगा बैंगलोर, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंटर इन बैंगलोर सिटी. आई विल टेक नाइस रोड विच विल बी गोइंग टू बाईपास द होल बैंगलोर सिटी. सो फर्स्ट टोल बूथ ऑफ टूडेज जर्नी, वेलकम टू टुमकुर नेलगुत्तूर टोल प्लाजा. ये देखिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, टॉयलेट्स एग्जैक्टली आफ्टर टोल बूथ. Hosur is 105 kilometers. Arath Riten, your hometown, where you have built. देखते हैं जब तक ये है डिवाइडर वाला रोड चला लेते, उसके बाद तो यार नॉन डिवाइडर रोड पे तो भगा नहीं सकते और बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा. क्लाइमेट बहुत अच्छा है यार, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्रेजेंट यू ब्यूटीफुल सनराइज. क्या व्यू है यार, क्या व्यू है. सूरज भाई साहब, बस आज के दिन भी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पर. मिलते हम आपको आगे, वैसे तब तक तो हमारे सर के ऊपर आ जाओगे ना. सेकंड टोल बूथ, खड्डे खड्डे करके रखे हैं लोग ने यार. भाई साहब ऐसे रास्ते में मत पार करके रखो यार. आज सुबह से किए हैं 908 थे, तो 30 किलोमीटर चलाइए गाड़ी आधे घंटे में. नॉट बैड, क्या है ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ क्योंकि वाइब्रेशन फील हो रहा है. जैसे बाइक 93-92 के ऊपर जा रहे हैं ना, हैंडल बार के ऊपर, सीट के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा है. बैंगलोर 28, कल तो पूरी हालत हो गई थी यार. अभी तक आज सुबह तक मेरा फिंगर नम है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, सी ए वाला फिंगर. और एक चीज़ नम है मगर वो इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता, समझदार लोग समझदार. सो भाई यहाँ से हमें गूगल माता ने बोल दिया NH4 छोड़ दीजिए, वो जा रहा है बैंगलोर सिटी में. और ये देखिए, वाह 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 वाह, शुड टेक मी टू नाइस रोड. नाइस मीन्स इट इज़ द नेम ऑफ रोड है गाइस. तो आप बोले सागर क्या बोल रहा है, नाइस रोड नाइस रोड, सभी रोड नाइस होते हैं. हाँ भाई सभी रोड नाइस होते हैं, और बैंक कर्नाटका तो यार आई लव कर्नाटका सिटी के रोड्स यार, सुपर रोड्स. आप रोड्स देखिए, पॉटहोल्स नहीं, ऐसा गैप नहीं, खड्डे जैसा पैच, बैड पैच नहीं मिलेगा आपको. तो मुंबई में भी नहीं अच्छे रोड्स है यार, बीच बीच में पावर ब्लॉक डाल देते हैं. यहाँ पे मैंने पावर ब्लॉक रोड पे देखा ही नहीं. भाई यहाँ से हम ले रहे हैं नाइस रोड, वेलकम टू नाइस रोड. थैंक यू वो रहा NH4, और हम आ गए नाइस रोड पे टू बाईपास बैंगलोर सिटी. देखते हैं कैसा है ये नाइस रोड, बिकॉज आई हर्ड हियर आई हैव टू पे टोल फॉर बाइक, सो इट शुड बी वर्थ इट, नॉट मोर. 60 रुपीज टोल है यहाँ पे. ये रहा NH4 विच डायरेक्टली गोज टू बैंगलोर सिटी. बैंगलोर बाय बाय.
मैसूर रोड, लिंक रोड, होसूर रोड, ओहो सब रोड्स के लिए टोल्स है यहाँ पे, टू व्हीलर्स ओनली। तो देखते हैं टोल देते हैं बाइक का। हाउ मच सर? टोल इज 63। फ्रेंड्स बहुत मजा आ रहा है यार नाइस रोड पे बाइक चलाने में, पहली बार चला रहा हूँ नाइस रोड पे यार, इतने अच्छे अच्छे हाईवे और बाइक्स भी अलाव है। और हमारे यहाँ पे देखिए बाइक्स नॉट अलाव, ये नॉट अलाव, यार क्यों ऐसा करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट यार। अच्छे रोड्स हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंटली क्रूज एट स्पीड ऑफ 100+, अगर यार वाइब्रेशन नहीं आते और बाइक पीछे रहती तो उसके ऊपर भी चला जाता था। एक राइडर को क्या चाहिए यार डिस्टेंस जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, खाली रोड और उसके बाद बेस्ट रोड। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी अहेड। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर मी द नाइस रोड, टाइम टू एग्जिट इट। इट इज इट। सो नाउ आई एम क्रॉसिंग वन टोल, उसका नाम ही नहीं है यहाँ पे। बालक के ऊपर मत जाइए, लास्ट व्लॉग में बता दिया था बाल तो ऐसे होंगे। हैविंग फर्स्ट टी ऑफ टुडेज राइड, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट थोड़ा और जाके करेंगे क्योंकि अभी तक इतनी धूप नहीं लग रही है, तो थोड़ा और डिस्टेंस कवर करेंगे। एक इज देयर ऑन रोड। सो यहाँ से हम ले रहे हैं होसूर राय कोट्टाई रोड। क्या लाइन किधर से है? तो नॉन डिवाइडर रोड आ गया है, देखते हैं 35 किलोमीटर ऐसे ही चलाना है एज पर गूगल। थैंक यू विजिट अगेन। सो आई थिंक फ्रेंड्स आई एम ऑफिशियली एंटरिंग तमिलनाडु नाउ, कर्नाटक का ख़त्म हो गया। एंड ऑल व्हीकल्स नंबर आई कैन सी दे आर TN। सो तमिलनाडु आई एम एंटरिंग फर्स्ट टाइम विद दिस बाइक, हाँ इसके पहले तो आ चुके हैं। सो विद दिस बीस्ट कमिंग फर्स्ट टाइम, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सो फ्रेंड्स ये ऐसे है अंदर का रास्ता, सालेम फ्रॉम हियर इज 170 किलोमीटर दिखा रहा है। आई थिंक होसूर को तो इसने बाईपास कर लिया इस रोड से। बिरजापल्ली द नेम ऑफ द विलेज। सो आई हैव एंटर इन राया कोट्टाई विलेज। अब यहाँ से लेना है राइट टर्न टूअर्ड सालेम, इट्स स्टेट हाईवे 17। ओ चलो भाई साहब चलो, यहाँ से लेना है हमें राइट। ओ भाई साहब जाने दो हमें, इस रोड पे जाना है हमें 25 किलोमीटर। सो जस्ट टूक हॉल्ट टू हैव ब्रेकफास्ट एट राया कोट्टाई। गरम गरम खाएंगे, देखेंगे क्या क्या है। लेट्स सी विल हैव डोसा इडली व्हाट एवर डांटी हैव। ब्रेकफास्ट प्लेट, वेलकम टू तमिलनाडु। इडली एंड डोसा सांबार के को फ्रेंड्स जस्ट हैड अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट हियर यार, गरम गरम डोसा, गरम गरम इडली इन बनाना लीफ। अभी नेक्स्ट 4-5 दिन ऐसे खाना खाना है यार। आई लव द स्टाइल ऑफ द सांबार एंड द वाइट चटनी यार, इट्स रियली कूल। बॉस जब भी हम जाते हैं कहीं पर ना कहीं घूमने जाके होटल ढूंढते यार, ऐसे थोड़ी जिस एरिया में आए उसका लोकल फूड विद ट्रेडिशनल देयर वे खाओ, बहुत मजा आएगा आपको, विल नॉट रिग्रेट इट। चलो पेट्रोल भराते हैं।
दोस्तों तमिलनाडु में पेट्रोल का रेट है 76.20। हाँ ऑटो नहीं है, छोटो 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 डेबिट 600 पेट्रोल आई फिलअप हियर इज 7.88 लीटर फॉर 600 रुपीज एंड दिस गाय स्क्रूड माय टैंक। आई हैव टू चेक इडियट, दे डोंट हैव ऑटो ऑफ सिस्टम। चलो इस बहाने वो एक्सेसिव पेट्रोल प्रॉपरली रिमूव हो जाता है कि नहीं वो भी चेक हो जाएगा। ओह नो यार शिट गाइस, कैसे भरे देखो एनिमल्स इस गाड़ी के अंदर यार शिट। अरे इंसान हो कि क्या हो तुम लोग? उसका पैर यहाँ पे, उसकी मुंडी वहाँ पे, वो उसके बॉडी के ऊपर पैर देके खड़ा है। वो देख कैसे कर रहा है शिट। और एक है उसके नीचे, कितने भरे हैं देखो। यार बहुत बुरा लग रहा है यार, काश मैं कुछ कर पाता उन लोगों के लिए। खाली है। सो नाउ वी आर कनेक्टिंग टू सालेम हाईवे। ओहो देखते हैं अभी यहाँ से कुछ डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर होता है या नहीं। 57 किलोमीटर सर चलाना है। सिंह कृष्णा निगरी टोपुर टोल प्लाजा, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट्स रॉन्ग। सो जस्ट टू कवन स्मॉल रिफ्रेश ब्रेक, कॉन्स्टेंट चला रहे थे अराउंड 45 मिनट्स। रोड्स भी इतने अच्छे नहीं है, आप देख सकते हो नो डिवाइडर, और रोड्स में अंदर बीच बीच में खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं बड़े बड़े। सो एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका तमिलनाडु के रोड इतने अच्छे नहीं है। एंड फ्रॉम हियर माई डेस्टिनेशन इज़ 430 किलोमीटर्स एंड गूगल इज़ शोइंग मी अराउंड 8 hours 32 minutes। सो 8.5 घंटे और लगेंगे फॉर 430 किलोमीटर्स। कुछ नहीं तो अभी बजे है 10:30। सो लेट्स सी 6 बजे तक टाइम दे रहा है गूगल, उसके पहले पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। मदुराई इज 294। आई एम नॉट गोइंग टू इंटर मदुराई। आई डू वॉन्ट टू चेक आउट द मदुराई ब्यूटीफुल टेम्पल, बट क्या करें। टाइम नहीं है मदुराई टेम्पल में जाने का। फ्रेंड्स जस्ट लुक एट दिस हाइट ऑफ दिस माउंटेन यार, क्या ह्यूज लग रहा है ये। नमक्कलम 89, मदुराई 254, एरोडे पलक्कड 242, हाईवे पुलिस। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ तमिलनाडु में घुसने के बाद, तमिलनाडु के ट्रक ड्राइवर इतने अच्छे नहीं हैं जितने मैं कंपेयर करता हूँ कर्नाटका के। तमिलनाडु के ट्रक ड्राइवर आप पीछे की लाइन देखने से पहले ही डायरेक्टली कट मार देते हैं। एंड सेम अप्लाइज टू कर्नाटका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, वो लोग भी वैसे ही है, पीछे गाड़ी देखते ही नहीं है डायरेक्टली घुमा डालते स्टेयरिंग यार। ये देखिए ये इतना रोड रखा दिया गया है, फोर व्हीलर्स यहाँ पे नहीं आती है। सो ये बेटर पड़ता है जब भी ओवरटेक करने के लिए। सो आई एम एट टोल प्लाजा। नाम क्या है भाई? अरे किधर जाना है बाइक के लिए इतना दूर से? फ्रेंड्स ये एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब भी जंक्शंस आते हैं तो यहाँ पे ऐसी लाइट्स आती है, लाइट्स, फिर भी यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे बैरिकेड्स भी रख देते हैं लोग और लाइट्स बहुत सारी रहती है। इस जंक्शन पे तो कम थी, महाराष्ट्र में तो सिर्फ वो स्ट्रैप डाल देते हैं नीचे, वो जैसे जंक्शन पास आता है वैसे वो पास पास में आ जाके खड़खड़ खड़खड़ बजने को चालू होता है। यहाँ पे यार लाइट्स यूज़ की गई है, वो रात के टाइम बहुत काम में आएंगी। ये है तमिलनाडु पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस, इट्स 12:45 एंड नाउ आई हैव टेकन मदुराई बाईपास रोड।
एम्बुलेंस, लगता है एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। ओ दे आर टेकिंग हिम ऑन स्ट्रेचर, होप नथिंग सीरियस, आई थिंक इट्स राइडिंग बाइक, गाड़ी बीड़ी कुछ है ही नहीं। और ये कैसे भी चलाने वाले हैं, कैसे भी चलाते हैं यार। श्रे देखिए, मोबाइल रॉन्ग साइड। स्टिल माई डेस्टिनेशन इज अराउंड 300 प्लस किलोमीटर्स। बहुत गर्मी लगती है। लकीली बाइक का रेडिएटर अभी तक चालू नहीं हुआ है। ए ए ए ए ओम, इनके हॉर्न भी कुछ अलग ही स्टाइल के हैं। पॉम पॉम रहते हैं जो बीएसटी बस के, उनके यहाँ पे कॉन्स्टेंट बजता है वो। जस्ट लुक एट दिस रोड यार, सेम शेप सेम स्टाइल, बनाना फार्म यार। मुझे गोवा के पारा रोड की याद आ गई यार, सुपर्ब। और बस एकदम छोटी छोटी रहती है, देखो कितनी सी है, देखो एकदम छोटी छोटी बस रहती है। फ्रेंड्स आई हैव ब्यूटीफुल रिवर ऑन माय राइट हैंड साइड। वाओ लुकिंग कूल इजंट इट। त्रिची 20 किलोमीटर्स अहेड। एज आई सेड, बालों के ऊपर मत जाइए। स्टिल आई हैव टू गो 285 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। गर्मी बहुत है तो ये तो बनता है, बिकॉज सूरज भाई साहब चूस रहे यार। बाइक इज देयर परफॉर्मिंग रियली वेल। फिलिंग ऑफ द नाइट्रोजन गैस रियली हेल्प मी। इतने गर्म हो जाती है रोड्स और ये टायर्स, रियली हेल्प। चलो ये फिनिश करते हैं, अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। सो रीच दिस टोल बूथ आफ्टर त्रिची। जस्ट टुक मस्ट नीडेड ब्रेक, मोर देन 40-45 मिनट्स का ब्रेक लिया यहाँ पे। अभी तक यार खाना भी नहीं खाया, सिर्फ लिक्विड पी के बाइक चला रहे हैं। इट्स ऑलरेडी 3:44, खाने खाने का टाइम तो निकल चुका है। बस यार एक ही माइंड में कि 35 डिग्री सेल्सियस में रामेश्वरम 178 स्टेट, जल्दी से जल्दी अपने होटल में पहुँचे, वही माइंड में है। तो खाना बिना माइंड में है ही नहीं। फ्रेंड्स रेलवे क्रॉसिंग वन मोर टाइम, दीव कोट्टे रोड स्टेशन नेम। सो इट्स 4:29 एंड रामेश्वरम इज स्टिल 125 किलोमीटर्स अहेड। सो इट्स 5:15, जस्ट हैड अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट ओवर हियर, लोकल ब्रेकफास्ट, मेदू वड़ा, फिल्टर कॉफ़ी, 4 प्लेट ऑफ मेंदू वड़ा एंड देन फिल्टर कॉफ़ी। अभी फुल्ली एग्जॉस्टेड हो गया, अभी देखते सन की पावर थोड़ी कम हो चुकी है, देखते हैं। नाउ स्टिल वी हैव टू गो मोर देन 100 किलोमीटर, 105, 107, लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचता है। सूरज भाई साहब यहाँ पे आ गए, देखिए जब राइड स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे थे, यहाँ से आके ऊपर 35 डिग्रीज करके अभी वहाँ पे चले गए। देखिए देखिए डाइवर्जन आ गया, फिर भी जितना मिले उतना मैं भगा रहा हूँ। और बीच में रोड बहुत ख़राब है, ये देखिए कैसे चलाए यार, कैसे रोड बनाए ये लोग ने यार, शिट। एक तो जल्दी पहुँचना है, और जब तक आपका बाजू का रेडी नहीं तब तक इसकी क्यों माँ बहन करके रखे आपने। हाँ इसको तो अच्छा रखते थे आप, पेरुंगुलम टोल प्लाजा। रामेश्वरम फ्रॉम हियर इज 46 किलोमीटर। वन मोर रेलवे ट्रैक। ओ मैन सफसी मैन, वाओ इट्स लुकिंग ऑसम एंड इट्स फीलिंग ऑसम। आई नो अंधेरा हो चुका है,
इतना कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आई एम फीलिंग हाई इन द स्काई मैन, डेस्परेटली वेटिंग फॉर पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, फक, फाइनली, यस, इट्स 6:22 एंड आई एम ऑन पंबन ब्रिज मैन। यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। कल भी शाम को यहीं पे आके पूरी शाम यहाँ पे बिताने वाला हूँ। इफ यू गाइज वॉन्ट मोर डीप डिटेल्स ऑफ द पंबन ब्रिज, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट व्लॉग। ओहो, रेलवे रेलवे रेलवे, सो आई हैव टू स्टॉप हियर, आई हैव टू स्टॉप हियर। फक, रेलवे और पंबन ब्रिज, क्या नसीब है मेरा बॉस, अब भी जस्ट लैंड कर रहा हूँ पंबन ब्रिज पे और मुझे रेलवे देखने को मिली। आई कांट बिलीव इट, आई थिंक आई एम शिवरिंग, यू कैन सी इट। फक, इट वॉज इन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस लिस्ट। यू कैन सी हाउ क्लीन दैट वॉटर इज, देख लीजिए क्लियरली दिख रहे हैं के स्टोन्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम ऑन पंबन ब्रिज। आई केम हियर टू माय बाइक, नॉट विद द ट्रेन, नॉट विद एनी ऑफ द बस और नॉट विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई अकम्प्लिश माय ड्रीम थ्रू हर। थैंक यू RR310, थैंक यू, यू मेक इट हैपन। बाय बाय पंबन ब्रिज, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। सो फ्रेंड्स, जस्ट चेक इन द होटल। Thank God that AC is working here, because it was not working in Bangalore. So the hotel name which I reside currently is the Hotel Pearl Residency. It's exactly near to the Rameswaram railway stations. So I have some plan which you guys will know on next vlog. So I will close this vlog here. If you guys anyhow like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend. And if you are watching my all these vlogs and not subscribed to my channel, then I will request you, please, please do subscribe. So this is Sagar signing off. Bye bye.